आज हम बनाने वाले हैं भापा इलिश। इसके लिए मैंने इलिश माच के कुछ पीसेस लिए हैं, साथ में ये ग्रीन चिलीज लिए हैं, ये मस्टर्ड पेस्ट लिया है, ये सॉल्ट लिया है और ये टर्मरिक पाउडर लिया है। साथ में ये कुछ मस्टर्ड ऑयल के लिए हमने ये लिया। अब हम इन मसालों को हम मिक्स करेंगे। फर्स्ट हम ये मस्टर्ड पेस्ट को इलिश माच में डालेंगे। ये टर्मरिक पाउडर को हम इसमें आप डालेंगे। देन ये सॉल्ट को हम मिक्स करेंगे और ये मस्टर्ड ऑयल को इसमें डालेंगे। देन इसको हम अच्छी तरह फिश में मिक्स कर देंगे। ताकि ये मस्टर्ड और ये टर्मरिक और ये सॉल्ट है अच्छी तरह इसमें लग जाए। देन ये रेड चिली है, ग्रीन चिलीज है, ग्रीन चिली को हम मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसे एक्चुअली एक स्टील के टिफिन बॉक्स में बनाते हैं, बट अभी मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसमें बनाऊंगी। अब ये इलिश माच को हम डाल देंगे। अच्छी तरह से डाल देंगे और ये फॉइल पेपर है, इसको अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे ताकि ये प्रेशर कुकर से ये पानी जो बॉयल होगी वो इस पे आना जाए। ये प्रेशर कुकर को हमने ये गैस में चढ़ा दिया है और इसमें ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा ही पानी लेंगे। अब हम इस जो बॉक्स है इसको इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे और ये प्रेशर कुकर को लगा देंगे। अब जैसे ही एक दो सीटी लगेगी हम वैसे ही उसको ऑफ कर देंगे। आफ्टर ये प्रेशर कुकर से निकालने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ और ये इस तरह का लग रहा है, काफी हॉट है। देखिए किस तरह इजीली एक हाफ आइलिश बन गया।